बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि फिंच के अंदर नर और मादे की पहचान कैसे करें। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको इजीली पता लग जाएगा मेल और फीमेल का। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो भी जितने भी आपको जो है ना फिंचेस दिख रही है, ये ज़ेब्रा फिंच है कॉमन। इसके अंदर वाइट चेक और ब्लैक चेक है, तो ये कॉमन फिंच है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना ब्रीडर पेयर है, सारे जितने भी सारे ये ना ब्रीडर है। तो इसके अंदर पता कैसे चलता है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस बहुत ही आसान होता है। तो नर की जो है ना निशानी क्या होती है, नर की जो है ना चेस्ट के ऊपर लाइनें होगी ब्लैक कलर की, और जो मादा होगी वो जो है बिल्कुल आगे से जो है ना फ्रंट से जो चेस्ट होगा बिल्कुल वो जो है सादा सा होगा। अब जो यहाँ पर जो ये ब्लैक बैठी हुई नीचे, ये जो है ना फीमेल है, ठीक है। इसकी चेस्ट के ऊपर जो है ना कोई भी निशान नहीं, बिल्कुल सीरियस जो है ना सीधा कलर है, यानी कोई निशान वगैरह नहीं आ रहे। और जो ये ऊपर बैठे हुए हैं ये देखें, इसको जो है ना चेस्ट के ऊपर जो निशान आ रहे हैं, तो देखें ये मेल है, इसकी जगह सीने पर लाइन है। और जो फीमेल है वो ये बैठी है, दोनों फीमेल है, तो ये जो है ना इनके चेस्ट पे लाइन है। सेम यही जो है ना वाइट के अंदर भी सेम ऐसी होता है कि जो मेल होगा उसके चेस्ट पे नाले होगी और जो फीमेल होगी वो जो है उसकी चेस्ट बिल्कुल खाली होगी, सफ़ेद वाइट होगी। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखाया था, ये देखें ये दो बैठे हुए हैं, ये दोनों जो है ना मेल है और इसके अंदर फीमेल भी है। तो ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, ये जो वाइट है ये फीमेल है। वाइट जो फीमेल होगी वो फुल वाइट होगी, तो फीमेल है। और जो उसके बाद जो है ना लाइन वगैरह आ रही होगी तो कलर आ रहा होगा वो जो है ना मेल होगा। तो इस तरीके से आपको ब्लैक चेक के अंदर भी बता दिया और वाइट चेक के अंदर भी बता दिया, बहुत ही जो है ना आसान निशानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में देखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।